राज्य स्तरीय खिलाड़ी और करीब 250 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ियों के दिया है। साथ ही विभिन्न पदक प्राप्त खिलाड़ी भी यहां पर लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं। हमारे मैदान का हाल किस तरह से है? यहां हॉकी के लिए बच्चों की जो नर्सरी है वो यहीं से तैयार की जाती है। मेन दिक्कत है, यहां गेट नहीं है, जेकर वजह से गाड़ी वाड़ी आके कोई भी आ जाते, गाड़ी वाड़ी चला के पूरा रात काट देते ग्राउंड ला। जब हम आथन तो योगा करे बैठन तब जगह जगह में शराब के बोतल रहते, तो अपन से हम खुद से सफाई करथन। अभी हम जांजगीर के हॉकी मैदान में हैं, जो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जाना जाता है, और इस मैदान की हाल आपको दिखाएंगे कि किस तरह का हाल है। देखें कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देखें कि इस मैदान पर जो है मवेशियों का डेरा है, और इस मैदान पर कई बार अलग अलग आयोजन होते रहते हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पर खिलाड़ी खेल नहीं पाते, और प्रशासन की अनदेखी भी यहाँ पर साफ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मैदान है उसे समतल नहीं किया गया है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो छोटे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर खेल पाते थे वो नहीं खेल पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो पहले जो बड़े आयोजन होते थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ जिला हॉकी संघ के सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं, ये जो समस्या हो रही है किस तरह से दिक्कत हो रही है। कोसाकासा कंचनगिर जिला जांजगीर चांपा के हृदय स्थल में स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी जो मैदान है, इस मैदान ने विगत 10 वर्षों से 700 से अधिक राज्य स्तरीय खिलाड़ी और करीब 250 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ियों के दिया है। साथ ही विभिन्न पदक प्राप्त खिलाड़ी भी यहां पर लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं, लेकिन विगत कुछ समय से ये जो मैदान है, इस मैदान में लगातार पानी भर जा रहा है, मैदान में कीचड़ हो जा रहा है, मैदान में नाली की व्यवस्था नहीं है, मैदान का समतलीकरण नहीं है, मैदान का सौंदर्यीकरण नहीं होने कारण यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यतः यहाँ पर जिला हॉकी संघ जांजगीर चांपा के जो नर्सरी हॉकी खिलाड़ी हैं, ये नर्सरी हॉकी खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो ये खिलाड़ी खेलो इंडिया सेंटर कॉलेज मैदान में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैदान के ख़राब होने के कारण जो बच्चे हैं, ये नर्सरी बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रतिभा है ये प्रतिभा विकसित नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण जांजगीर चांपा ज़िले का हॉकी जितना विकास करना चाहिए उतना विकास नहीं कर पा रहा है। अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस मैदान की तो हालत है, वो तो बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो कीचड़ है वो नज़र आ ही रहा है, साथ साथ इस जगह पर कुछ आयोजन भी होते हैं, और अब एक बड़ी समस्या हो गई है कि यहाँ पर इस स्थल को धरना स्थल भी बनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा ज़िले के हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभा के विकास के लिए, उनके कौशल के निखार के लिए, तकनीकी चातुरता के लिए, रणनीति बनाने के लिए, साथ ही मॉडर्न हॉकी को प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेवानिशाइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का यहाँ पर आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे बच्चों का ग्रास रूट लेवल पर हॉकी इंडिया का जो निर्देश है उसके अनुसार भी यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन होता है, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर धरना स्थल के रूप में यहाँ पर कुछ टेंट वगैरह गड़ा हुआ है, जिसके कारण सभी हॉकी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, और अपन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि किसी प्रकार से यहाँ पर जो टेंट वगैरह लगा है या धरना स्थल के रूप में इसको दिया गया है किनारे को, इसको न दिया जाए, क्योंकि जांजगीर चांपा ज़िले का ये जो मैदान है ये मैदान गौरवशाली मैदान है, और इस मैदान से ही जांजगीर चांपा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर आने वाले समय में भारत देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये जो खिलाड़ी है इसका विकास किया जाए, और खिलाड़ी ये जो मैदान है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, समतलीकरण किया जाए, और इसको विकसित करके ये जो मैदान है इसको इससे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, यही हम सबकी कामना है। देखिए, ये हॉकी संघ के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हमने बात की है, और जिस तरह की यहाँ पर समस्या सामने आई है, निश्चित तौर पे जिला प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो बदहाली दिखाई है मैदान के साथ साथ, यहाँ पर जो इस जगह पर अब धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो हॉकी संघ के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो नाराज हैं। अब देखना होगा इस मामले में जब हम खबर दिखाएंगे उसके बाद प्रशासन क्या संज्ञान लेता है। हमारे साथ जो हॉकी मैदान की समस्या पे बात करने के लिए राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संजना साहू जी, हम उनसे हम बात करेंगे किस तरह की समस्या हो रही है इन छोटे बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि जो हॉकी का मैदान है वो काफ़ी बदहाल है, किस तरह की दिक्कत हो रही है इन बच्चों को सिखाने में, ट्रेनिंग देने में। जी,
आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हमारे मैदान का हाल किस तरह से है। यहाँ हॉकी के लिए बच्चों की जो नर्सरी है वो यहीं से तैयार की जाती है, लेकिन ये बदहाली जो है मैदान की, इसके वजह से हमारे जो बच्चों की प्रैक्टिस है, उनका अभ्यास है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, और जितने कोच हैं उनके द्वारा भी सही से प्रैक्टिस नहीं दिया जा रहा है। तो हम अपील करते हैं कि हमारा मैदान का जो स्थिति है वो सुधरने का प्रयास हो। अभी जो ये बच्चे हैं कहीं न कहीं जब यहाँ पर ये मैदान ख़राब है तो उनको अब जब दूर भी जाना पड़ता होगा, इसकी वजह से वो फिर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे होंगे, प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे होंगे। जी, ये मैदान की बदहाली के वजह से हम जो प्रैक्टिस में हमारी जो कमी आती है, इसके वजह से हम जब भी बाहर कहीं भी जाते हैं मैच के लिए या हमारे बच्चों के मैच के लिए, तो वहाँ पे यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो पाने के कारण वहाँ पे हमारी प्रतिभा में कमी आती है और हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो समस्या है वो मैदान की वजह से इन खिलाड़ियों को बेहद परेशानी हो रही है। अब देखना होगा प्रशासन इस समस्या पर किस तरह का संज्ञान लेता है, क्योंकि ये नन्हे खिलाड़ी हैं जो आगे जाकर के कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद जैसे प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन जब ये मैदान बदहाल रहेगा तो किस तरह से हम इस मामले में कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर तैयारी के लिए आते हैं तो किस तरह की परेशानी होती है हाई स्कूल मैदान में आप लोगों, और क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर पीने के पानी की भी बहुत समस्या है भैया, और शौचालय भी, और जैसे ही हमन हाई जम्प करथन मेरे ऊँची कूद भी था, मेरे पानी भर जाते तेकर बहुत दिक्कत है, और मेन दिक्कत है यहाँ गेट नहीं है, जेकर वजह से गाड़ी वाड़ी हा के कोई भी आ जाते, गाड़ी वाड़ी चला के पूरा रात कर देते ग्राउंड ला, और जे भी देखते थे मेला भी लगा देते जब चाहते तब, ये मन 400 मीटर के ट्रेक रही से वो भी पूरा रात कर दे, वही समस्या है भैया। युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह की परेशानी होती है, और इस मैदान में शौचालय की भी दिक्कत है, और जो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का शाम के वक्त डेरा रहता है और वो शराब पीते हैं, शराब की बोतल फोड़ देते हैं, क्या दिक्कत होती है आप? जब हम आथन तो योगा करे बैठन तब जगह जगह में शराब के बोतल रही थे, तो अपन से हम खुद से सफाई करथन, और गाय के बहुत बड़े समस्या है, काबर के गाय मन आ जाते और जगह जगह में बैठे रही थे, ओकर से हमें बहुत परेशानी होते जब हम दौड़थन तब। क्यों ये दिक्कत होती है, मतलब कोई गेट नहीं? हाँ, गेट के नाम से दिक्कत होती है, अगर गेट लग जाही ना तो बंद रही तो वह नहीं आवे, तो सबसे पहली समस्या तो गेटे के हाई स्कूल में, सबसे पहले गेट लगना चाहिए, ओकर बाद का जितना भी समस्या है ना वो आधा 50% मतलब कम हो जाए। अभी जो हाई स्कूल मैदान है किस तरह की परेशानी होती है आप लोग जब यहाँ आते हैं खेलने के लिए, या फिर जो लोग यहाँ पर वॉकिंग के लिए आते हैं किस तरह की परेशानी होती है? भैया, यहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक होता है, एथलेटिक्स होता है, कबड्डी सब प्रोग्राम यहाँ होते हैं, नगर पालिका आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं, जिससे बच्चे के आगे के फ्यूचर के लिए जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, एथलेटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। आए दिन हाई स्कूल मैदान में कुछ नगर पालिका वाले प्रोग्राम करा देते हैं, बच्चे लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। यहाँ बाथरूम की समस्या है, बाथरूम लड़कियाँ भी खेलने आती हैं, उनके लिए शौचालय नहीं है, पानी की समस्या है, पानी नहीं पा, पानी के लिए प्रॉपर नहीं है यहाँ व्यवस्था, बहुत सारी परेशानी है। अगर गेट लग जाती है तो बच्चे लोग कम से कम सुरक्षित भी रहेंगे, सामाजिक तत्व जा आके दारू बोतल वो फोड़ते हैं, कम से वो नहीं होगा, बहुत सारी समस्या, और धीरे धीरे क्या नगर पालिका को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को कम से कम इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये सब चीज़। इस तरह की जो समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, तो क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कभी हम लोग नगर पालिका से प्रशासन से हमेशा आवेदन किए हैं, लेकिन हमारे लिए ग्राउंड के प्रति बच्चों के लिए कभी सुनाई नहीं हुई है। देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो युवा हैं जो हाई स्कूल में मैदान जब आते हैं तो उनको तमाम तरह की परेशानी होती है, और वो लगातार परेशान हो रहे हैं, और केवल ये एक दिन की समस्या नहीं है, काफ़ी वर्षों से समस्या बनी हुई है, और लगातार जो है वो खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा IBC 24 की खबर दिखाने जाने के बाद प्रशासन क्या संज्ञान में लेता है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।